देखिए, पूरी सब्जी एक बेसिक नीड होती है लोगों की। बेसिक नीड मतलब इमरजेंसी में अगर वो कहीं जा रहे हैं और उनको प्रॉपर टाइम से खाना नहीं मिल पाया है, तो पूरी सब्जी एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से उन्हें हर एरिया में मिल जाती है और उनको कंज्यूम करके वो अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक टाइप से हम फास्ट फूड कह सकते हैं, एक टाइप से हम पेट भरने का एक तरीका भी कह सकते हैं। पर कुछ भी हो, इंडिया में पूरी सब्जी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम 9 ऐसे पॉइंट्स जानने वाले हैं जिनको फॉलो करके आप पूरी सब्जी के बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 9 के 9 पॉइंट्स आपके बहुत काम के होने वाले हैं अगर आप पूरी सब्जी के बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। अपना एक बिजनेस का प्लान बनाना होगा। सबसे पहले यह तय करें कि आप अपने व्यवसाय को किस तरह से चलाना चाहते हैं। बाजार अनुसंधान करें। सबसे पहले यह देखें कि आपके इलाके में पूरी सब्जी की मांग कितनी है। उसके बाद आपको मेन्यू तय करना होगा, जिसमें आलू की सब्जी और कुछ अन्य डिशेस जैसे चटनी, रायता, मिठाई जैसी चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसके अलावा आपको निवेश, जितना इन्वेस्टमेंट आपका होने वाला है और प्रॉफिट का अनुमान आपको लगाना होगा कि आप कितना इसमें लगभग उस एरिया में कमा सकते हैं। नंबर 2, अब आपको एक प्रॉपर लोकेशन चुनना होगा। ऐसी जगह चुनें जहाँ पर भीड़ भाड़ हो, जैसे बाजार, ऑफिस एरिया या कॉलेज एरिया या कोर्ट कचहरी, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन। छोटा स्टॉल आप वहाँ पर लगा सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक शॉप को मोबाइल वैन पर भी शुरू कर सकते हैं। एक चलती फिरती गाड़ी, व्हीकल सेकेंड हैंड खरीद कर उसके ऊपर आप शुरू कर सकते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं, लाइसेंस। लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहली चीज़, स्थानीय नगर निगम से अपने दुकान के लिए आपको पंजीकरण करवाना होगा। दूसरी चीज़, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको खाद्य लाइसेंस प्राप्त करना होगा, फूड लाइसेंस जिसे कहा जाता है। अगर आप ऑनलाइन या बड़े स्तर पर काम करेंगे, जैसे कि आप जोमेटो स्विगी के साथ भी कनेक्ट होना चाहते हैं, फूड डिलीवरी एप्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इस केस में आपको GST रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो भी आपको करवाना होगा। चौथी चीज की बात करते हैं कि कौन कौन से उपकरण की जरूरत पड़ेगी आपको। तो यहां सबसे पहली चीज, पूरी बनाने के लिए आपको गैस स्टोव, कढ़ाई, चिमटा, प्लेट्स और अन्य बर्तन खरीदने होंगे। इसके अलावा रॉ मटेरियल, अगर हम बात करें कच्चे सामान, तो रॉ मटेरियल के रूप में आपको आटा, आलू, तेल, मसाले, सब्जियां और अन्य जो आप सब्जियां रखना चाह रहे हैं अपने पूरी के साथ में, उन सब्जियों को आपको खरीदना होगा मार्केट से। नंबर 5 की बात करें, अब आपको यहाँ पर एक स्टाफ रखना होगा, ऐसा स्टाफ जो ट्रस्टेबल हो, अच्छे से मेहनत से काम कर सके। अगर ज़रूरी हो तो एक या दो हेल्पर रखें जो आपको खाना पकाने और ग्राहकों की सेवा करने में मदद करें। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज पर हैं, तो अकेले भी कर सकते हैं अगर छोटा बिजनेस है आपका भी। नंबर 6 की बात करते हैं, अब आपको मार्केटिंग करना है, प्रचार करना है अपने बिजनेस का, जिससे आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा प्रमोट कर पाएं। जैसे दुकान की पहचान बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी अपने दोस्तों और परिवार के ग्रुप्स में प्रचार कर सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में। इसके अलावा शुरू में कुछ विशेष ऑफर रख सकते हैं, जैसे 50 ग्राहकों के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके अलावा आप बैनर या फिर फ्लायर्स से भी प्रचार कर सकते हैं अपने बिजनेस का। नंबर 7 की बात करें, अब यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको मूल्य निर्धारित करना होगा, अमाउंट फिक्स करना होगा। देखिए, रेट का क्या है, रेट आप अपने एरिया में जो भी कस्टमर्स हैं, जैसे भी एरिया में आप स्टार्ट कर रहे हैं, उस एरिया में कैसे लोग हैं, कैसे कस्टमर्स हैं, उनको देखते हुए आपको रेट तय करना होगा अपने प्रोडक्ट्स का, अपनी पूरी सब्जी का। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आप किस लोकेशन पर हैं और आपका इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है वहाँ पर, और उसमें आप कितना प्रॉफिट कमा पाएंगे। इन सब को देखते हुए आप प्रॉपर मेन्यू बनाकर उसमें हर एक चीज़ का रेट तय करें। नंबर 8 की बात करें, क्लीननेस और क्वालिटी का खास ध्यान आपको रखना होगा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। देखिए, क्लीननेस और क्वालिटी देखकर ही कस्टमर आता है। अगर एक बार आपके पास कस्टमर आया है और उसको सर्विस अच्छी मिली है, पहली चीज़ साफ सफाई अच्छी मिली है, उसका मन खुश हो गया देखकर, भाई इतनी सफाई, दूसरी चीज़ उसको खाने में टेस्ट भी अच्छा लग गया, तो उसके पास आपको छोड़ने का कोई विकल्प ही नहीं बचता, वो दोबारा भी आपके पास आएगा। तो कस्टमर को रेगुलर करने के लिए यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नंबर 8 की बात करें, कस्टमर सर्विस। अच्छा व्यवहार और तेज सेवा ग्राहकों को प्रभावित करती है। एक बार जो ग्राहक आए वो दोबारा भी आए,
उसके लिए आपको उनसे अच्छे से बात करना होगा। जो भी कस्टमर आपके पास आए, कोशिश करिए कि आप पोलाइटली उससे बात करें, जिससे उसका मन आपके शॉप पे दोबारा आने का करे। बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की, तो इस बिजनेस में आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम मान के रखते हैं 50,000 लगने वाला है, अगर आप छोटा स्टॉल शुरू करते हैं तब। और अगर कोई व्हीकल पर शुरू करते हैं तो व्हीकल का खर्च आप एडिशनल मान के रख सकते हैं। प्रॉफिट की बात करें तो आप 1 से 2 हजार रुपए तक आसानी से दिन का कमा सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आप कैसे एरिया में रह रहे हैं, वहां सेल कैसी है और आप क्या प्राइजेस रख रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा महंगे एरिया में जाते हैं तो वहाँ प्राइस थोड़ा बढ़ा कर रख सकते हैं, तो आपकी अर्निंग और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है, बूस्ट हो सकती है। बाकी अगर ऑनलाइन भी आप प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, स्विगी जोमेटो वगैरह में लिस्ट कर रखा है और अच्छे ऑर्डर्स आपको आना शुरू हो जाते हैं, तो उससे आप काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं। तो आंकड़ा आपका दिन का 4 या 5 हज़ार तक का भी प्रॉफिट का जा सकता है।